तो दोस्तों YouTube पे एक वीडियोस को वायरल करने के लिए एक तो वीडियो क्वालिटी की ज़रूरत पड़ेगी और दूसरा है ऑडियो क्वालिटी की। अगर आपका वीडियो क्वालिटी बहुत बढ़िया है और ऑडियो क्वालिटी अच्छा नहीं है तो आपका वीडियो वायरल नहीं होगा, क्योंकि ऑडियंस को बनाए रखने के लिए एक तो आपका वीडियो क्वालिटी भी बहुत बढ़िया होनी चाहिए और दूसरी है ऑडियो क्वालिटी। अगर ऑडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है तो वीडियो वायरल नहीं होगा, क्योंकि आपके आपने बहुत बढ़िया एडिटिंग की हुई है और वीडियोज़ को अच्छी तरह से बनाया है एडिटिंग करके, और उसमें आपकी ऑडियो क्वालिटी सही नहीं है, अच्छी नहीं है, तो आपका वीडियोज़ वायरल नहीं होगा, क्योंकि दर्शक को बनाए रखने के लिए उस आपके वीडियोज़ में वीडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी दोनों बहुत बढ़िया होनी चाहिए, तब जाके आपका वीडियोज़ वायरल होता है और उस पर वॉच टाइम आता है और सब्सक्राइब भी आते हैं। तो वीडियोज़ वायरल करने के लिए एक तो वीडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये मैंने बोया BY M1 का माइक लिया, इसकी अनबॉक्सिंग करके बताऊंगा। ये देखिए बोया BY M1 का माइक है, इसकी मैं आपको अनबॉक्सिंग करके बताता हूँ ये कैसा है और इसके अंदर से क्या क्या निकलता है। क्योंकि वीडियो को वायरल करने के लिए दो चीज़ इंपॉर्टेंट रहता है, एक तो है वीडियो क्वालिटी और दूसरा है ऑडियो क्वालिटी। अभी जो भी मैं भी वीडियो शूट कर रहा हूँ ये मेरे मोबाइल से शूट कर रहा हूँ और आवाज़ भी ये मेरी आ रही है मेरे मोबाइल के माइक से ही आ रही है। तो चलिए इसकी मैं आपको अनबॉक्सिंग करके बताता हूँ। लाइट से ये देखिए मैंने इसको खोल दिया और अब ये देखिए आप देख सकते हैं अंदर से कैसे, ये देखिए बोया का BY M1 वाला, इसके अंदर से ये देखिए क्या निकला। अमेजोन से मैंने मंगाया था, ये देखिए कागज़ कोई इस तरह का निकला कागज बिल, और मेन चीज़ देखिए देख सकते हैं आप इसमें से ये निकला, बाकी ये खाली है। देखिए बोया का BY M1 का माइक, देखिए देख सकते हैं आप बोया का है। चलिए अब इसको भी खोल देते हैं अपन, मैं इसको भी आपको खोल के बताता हूँ, देख सकते हैं आप खोलेंगे, इसको भी खोल दिया और अब इसके अंदर से बोया, ये देखिए बोया की थैली निकली है और इसके अंदर क्या क्या निकलता है वो भी देखते हैं अपन। बोया की थैली आई है और पहले ये देख सकते हैं आप बोया का माइक, देख सकते हैं क्या क्या निकला। देखिए निकली इसके अंदर जो गोलियाँ आती है, जो इसके अगर पानी वगैरह आ जाए पानी की बूंदे वगैरह तो ये उसको पानी को सोखती है, तो इसके लिए आती है आता है यह गोलियाँ। और क्या क्या आया, ये इसके अंदर से एक थैली निकली है, बाकी इसके अंदर कुछ नहीं है। और ये देखिए आप देख सकते हैं बोया का सर्टिफिकेट आया है, बोया का ओरिजिनल है, यह QR कोड आया है, इससे आप स्कैन करके भी देख सकते हैं। और इसको भी खोलते हैं थैली को, इसके अंदर क्या है वो भी देखते हैं अपन। ये नॉइज को रोकने के लिए आता है, जो हवा वगैरह अपन वीडियो शूट करते हैं तो हवा नहीं आए, तो इसके लिए आता है नॉइज, यह इसके अंदर से निकला है। एक ये क्लिप आया है, इसको क्लिप को लगाना पड़ेगा, ये क्लिप आया निकला है। और ये कनेक्टर निकला है, जो बड़े बड़े वगैरह होते हैं उनसे उसके कनेक्टेड होता है कनेक्टर। और एक ये सेल निकला है इसके अंदर से, देखिए ये सेल। और चलिए अब अपन इसको देखते हैं बोया का, देखिए ये बोया का माइक है और इसका वायर भी देखिए, देख सकते हैं कितना लंबा है, समथिंग इसका 6 मीटर वायर लंबा होगा, कम से कम 20 फीट लंबा वायर। और ये बहुत ही बढ़िया है, मैंने इसको पहली बार ख़रीदा है, अमेजोन से ख़रीदा है। अगर आप भी इसको ख़रीदना चाहो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हो। चलिए मैं पहले इसको आपको लगा के बताता हूँ, ये देखिए यह रिकॉर्डर है जो अपने कॉलर वगैरह पे लगेगा माइक, पहले इसके ये अपन ये लगा देते हैं, ये नॉइज को रोकने के लिए आता है, इसको लगाएंगे, ये इसके ऊपर ऐसा लगेगा, देख सकते हैं ये इसके ऊपर ऐसा लगेगा। और ये क्लिप आता है, इस क्लिप को भी लगा देंगे, देखिए ये क्लिप निकला इसके अंदर से, ये क्लिप, इस क्लिप को भी यहाँ पे लगा देते हैं, ये देखिए मैंने क्लिप को भी लगा दिया यहाँ पे। और अब इसको खोलेंगे, देखिए इस प्रकार मैं खोलता, ये खुलता है और
इसको खोलने के बाद में यहाँ पे देखिए एक सेल लगेगा, तो यहाँ पे देखिए आया इसके साथ में, इस सेल को भी इसमें लगाते हैं, ये देखिए सेल को भी लगाएंगे इसके अंदर। देखिए मैंने सेल को लगा दिया और वापस इसको बंद कर देंगे इस प्रकार। देखिए मैंने बंद कर दिया इसको, इसको बंद कर दिया और यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक तो कैमरा लिखा हुआ है और एक इसका इसमें स्मार्टफोन लिखा हुआ है। अगर आप कैमरे से वीडियो शूट करते हो तो आपको ऊपर की तरफ रखना होगा, इसको बटन को दबाना पड़ेगा ऊपर की तरफ, देखिए कैमरे पे। और अगर आप माइक से अपने स्मार्टफोन से वीडियो शूट करते हो तो इसको नीचे की तरफ करना होगा बटन को। तो मैं स्मार्टफोन से शूट करता हूँ तो मैं नीचे रखूँगा और फिर इसको वापस बंद करना चाहो तो इसको बीच में रखेंगे, देखिए ये इस प्रकार बीच में आएगा। अगर इसको आप बंद करना चाहो तो बीच में रख सकते हो, देखिए मैंने इसको बीच में रखा। और कैमरा से शूट करना चाहो तो इसको ऊपर रखेंगे और स्मार्टफोन से शूट करना चाहो वीडियो तो यहाँ पे लगेगी, क्योंकि अगर आप स्मार्टफोन से अपने फ़ोन से वीडियो शूट करेंगे तो इसमें आपके ये पावर ये फ़ोन से लेगा, और अगर आप कैमरे से शूट करोगे तो ये पावर इस सेल से रहेगा। ये सेल सिर्फ कैमरे से शूट करेंगे तभी यूज में लेगा, अगर आप मोबाइल से शूट करोगे वीडियो तो यह सिर्फ आपके मोबाइल की इलेक्ट्रिसिटी खपत करेगा। और अब इसको मैं आपको चेक करके भी बताऊंगा मोबाइल से। और इसके अंदर देखिए क्या क्या निकलता है इसके अंदर से, यह बॉक्स है, ये देखिए बोया का आया, इसके अंदर कैटलॉग कितने पेज की आती है कम से कम, इसके अंदर सब लिखा हुआ है इसके बारे में, इसके बारे में सब लिखा हुआ है, इसलिए इसको तो बाद में पढ़ लेंगे। और ये ओरिजिनल है या नहीं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे डुप्लीकेट भी मिलते हैं। ये बोया का BY-M1 ओरिजिनल है, और देखिए इसलिए यहाँ पे देख सकते हैं स्टिकर, इस बोया का ओरिजिनल है क्योंकि मार्केट में बहुत सारे डुप्लीकेट मिलते हैं, तो इसकी ओरिजिनल की कैसे पसंद की जाती है वो इसलिए मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए स्टिकर है, इसको यहाँ से उछड़ेंगे, देखिए इसको मैं उखेड़ता हूँ और या इसके नीचे ये देखिए देख सकते हैं बारकोड है या नहीं ओरिजिनल, वो ऐसा पता चल जाएगा। देखिए तो देखिए मैंने इसको उखेड़ा तो देखिए यहाँ पे देखिए नीचे बारकोड है, देखिए देख सकते हैं आप, ये तो ये ओरिजिनल है। अगर बोया का डुप्लीकेट होगा, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे इसके कॉपी भी मिलते हैं, तो यहाँ पे बोया और ये फॉर एप्पल है, इसके ऊपर आएगा आर लिखा हुआ आता है, तो वो डुप्लीकेट होते हैं, ये ओरिजिनल है प्योर, क्योंकि आपको मार्केट में बहुत से डुप्लीकेट भी मिल जाएंगे, ये ओरिजिनल। तो इसको आप मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से इसको आप परचेज भी कर सकते हो। आप अगर आप इसको परचेज करना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ से इसको आप परचेज भी कर सकते हो। और अब इसको मैं आपको और इसके अंदर से क्या निकलता है चलिए दिखाता हूँ। देख सकते हैं इसके अंदर से ये गारंटी कार्ड भी इसका मिला है, वारंटी कार्ड देख सकते हैं, ये वारंटी कार्ड, इसके अंदर वारंटी भी आती है, वारंटी कार्ड भी मिला है इसके अंदर से। और ये मुझे कितने में मिला पड़ा है, ये 745 रुपये में मुझे पड़ा है। अगर आप भी इसको ख़रीदना चाहो तो यह 745 रुपये में आपको अमेजोन से मिल जाएगा, मैंने इसको 745 रुपये में ख़रीदा है। और अब इसको मैं आपको मोबाइल से कनेक्टेड करके भी बताता हूँ इसकी कैसी आवाज़ आ रही है, और अब जो मैं बोल रहा हूँ ये मेरे मोबाइल से शूट हो रही है आवाज़। और अब इसको मैं आपको मोबाइल से कनेक्टेड करके बताता हूँ। तो अब आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, जो ये मेरी इस माइक से आवाज़ आ रही है, जो बोया BY-M1 का माइक है, तो इससे आवाज़ आ रही है। तो अब आप ये देख सकते हो, पहले वाली जो आवाज़ आ रही थी वो मेरे मोबाइल फ़ोन से आ रही थी, और अब ये जो आवाज़ आ रही है मेरे इस माइक से आ रही है। तो देखिए तो दोनों में कितना अंतर है आप भी देख सकते हो। तो ये मैंने बोया BY-M1 का माइक ख़रीदा है अमेजोन से, अगर आप भी इसको ख़रीदना चाहो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हो। ये बहुत ही बढ़िया माइक है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो सोचा इसके ऊपर वीडियो बनाऊं और आपके साथ में भी शेयर करूं, क्योंकि वीडियो को वायरल करने में दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक तो वीडियो क्वालिटी और दूसरा ऑडियो क्वालिटी। जो देखिए मैंने बोया BY-M1 का माइक लिया है, तो ये बहुत ही शानदार है, इसको आप ख़रीदना चाहो तो अमेजोन से ख़रीद सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, क्योंकि आप दूसरी जगहों से खरीदोगे तो वहाँ पर बहुत सारे इसके कॉपी मिलती है, क्योंकि ये डुप्लीकेट भी आजकल मार्केट में बहुत सारे मिलते हैं। तो जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ से आप इसको परचेज करोगे तो आपको 100% ओरिजिनल मिलेगा, और ये आपको 700 से 800 के बीच में अमेजोन से मिल जाएगा, मैंने इसको खरीदा। तो
तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए, और आपने अभी तक मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए तब तक, क्योंकि मैं आपके लिए और भी ऐसे ऐसे वीडियोज लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।